तो दोस्तों वंस अगेन स्वागत है आप सभी लोगों का अर्निंग अपॉर्चुनिटी चैनल पर। तो अभी जैसा कि दोस्तों जो हमारी कंपनी है जा लाइफस्टाइल, उसका ईहा लॉन्च होने वाला है, ये हम सभी लोगों के लिए बहुत ज़्यादा गुड न्यूज़ है। तो अभी भी दोस्तों बहुत सारे लोगों को लग रहा था कि 31 के पहले रियल एड आएगा, तो 31 के पहले रियल एड नहीं आने वाला है। तो दोस्तों ईहा हमारा लॉन्च होने वाला है, और अभी जैसा कि दोस्तों कंपनी ने अपने न्यूज़ लेटर में ये चीज़ बताया है कि कंपनी खुद एडवर्टाइजिंग कंपनी के साथ बात कर रही है, कोलेबरेट कर रही है, और उसने बहुत सारे कंपनीज़ को अप्रोच भी कर रखा है। तो दोस्तों जो हमारा रियल एड है वो बहुत जल्दी हम लोगों को देखने को मिलने वाला है। कंपनी हम सभी लोगों को बहुत जल्दी अपडेट देने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों अभी जो मेन काम है वो ये है कि जल्दी से जल्दी यहाँ पे जितनी भी एडवर्टाइजमेंट कंपनी है वो रजिस्टर कर ले, और उसके बाद हमको रियल एड दिखना शुरू हो जाए। तो दोस्तों मेन चीज़ तो ये है कि कंपनी, आप खुद देख सकते हो कि कंपनी अपने लेवल में बहुत अच्छा काम कर रही है। ईहा लॉन्च होने वाला है, और कंपनी ने पहले इतने सारे कंपनीज़ के साथ, एड कंपनी के साथ बात कर रखा है, ठीक है, वो उनको अप्रोच कर रही है। तो वो बहुत जल्दी जल्दी दोस्तों हमारे जितने भी कैटेगरी है उन कैटेगरी के हिसाब से दोस्तों बहुत सारे कंपनीज यहाँ पे बहुत जल्दी रजिस्ट्रेशन ले लेने वाली है। और अभी अगर मैं बात करूँ दोस्तों तो लगभग अगर आप देखो तो यहाँ पे 100 कैटेगरी है, ठीक है, जो हमारे प्रोडक्ट्स है उसके 100 कैटेगरी है। तो अभी 100 कैटेगरी में कम से कम दोस्तों हर एक कैटेगरी में कम से कम 10 कंपनी तो होगी। तो अगर आप देखो हमको मिनिमम कम से कम 1000 कंपनी चाहिए, तो 1000 कंपनी होगा उसके बाद दोस्तों जो हमारा रियल एड है वो स्टार्ट होने वाला है। तो अभी दोस्तों अगर मैं बात करूं ये प्रोसेस भी बहुत जल्दी हो जाने वाला है और हम सभी लोगों को रियल एड मिलने वाला है। तो आप सभी लोग दोस्तों और थोड़ा पेशेंस रखिए, ठीक है, आप लोग दूसरे लोगों का बात मत सुनिए। जैसे कि आज मुझको एक बंदे ने कॉल किया और वो मुझको बता रहा था कि सर मेरा मैं बस 31 तक ही यहाँ पर वेट करने वाला हूँ, क्योंकि मेरे अपलाइन ने मुझको बोला है कि 31 को एड आ जाएगा, अगर 31 को एड नहीं आता है तो मैं जा लाइफस्टाइल नहीं करने वाला हूँ क्योंकि बहुत वेट कर लिया। तो दोस्तों अभी आप देख सकते हो जैसे कि मैंने इस बंदे के साथ बात किया, तो अभी ये बंदा तो 31 के बाद मतलब यूज़ नहीं करने वाला है जा लाइफस्टाइल। तो फिर मैंने उसको समझाया कि नहीं भाई आपने कहाँ से सुनाई है, तो वो बोल रहा था कि मुझको मेरे अपलाइन ने बताया। तो जब मैंने उसके अपलाइन से बात किया तो मुझे ये चीज़ मालूम चला कि जो उसके अपलाइन थे वो किसी यूट्यूब चैनल से देखते थे, और वहाँ से देख के उन्होंने अपने पूरे टीम में ये चीज़ बताया था। तो इस चीज़ की वजह से दोस्तों आप देख सकते हो कि बहुत ज़्यादा लोग छोड़ देते हैं, क्योंकि ये जो चीज़ है दोस्तों ये एक तरीके से किसी को भटकाना है, ठीक है। तो आप ऐसा मत करिए और आप वैसे न्यूज़ मत दिखिए जहाँ पे दोस्तों आपको बहुत ज़्यादा जल्दी का टाइम दिया जा रहा है, ठीक है। आप न्यूज़ लेटर पे भरोसा रखिए, न्यूज़ लेटर में दोस्तों जब रियल एड के बारे में बात आएगी तब आप उस बारे में बात करना। अभी दोस्तों फ़िलहाल में जो बात चल रहा है वो चल रहा है रजिस्ट्रेशन का, ठीक है, कंपनी यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करने वाली है। तो जब तक रजिस्ट्रेशन नहीं होगा तब तक रियल एड नहीं आएगा। तो आप कंपनी का वेट करो कि कब रजिस्ट्रेशन हो जाता है। अभी अगर आपके डाउनलाइन आपसे पूछते हैं कि कितने टाइम बाकी है अभी स्टार्ट होने में, तो आप उनको ये चीज़ बोलो कि अभी कंपनी रजिस्टर हो रही है, रजिस्टर हो जाएगी, हमको रियल एड देखने को मिल जाएगा। समझ रहे हो, सिंपल आंसर है यार, जो चल रहा है आप वही चीज़ बोलो ना अपने डाउनलाइन को। तो ज़्यादातर लोग ये चीज़ कर ही नहीं रहे हैं, ज़्यादातर लोग बोल रहे हैं कि अभी आ जाएगा, 31 को आ जाएगा। तो ये तो मतलब घुमा फिरा के वही बात हो गई ना कि आप अपने डाउनलाइन को घुमा रहे हो। तो ये चीज़ मत करो, ठीक है। आप सही वीडियो देखो तभी आप सही लोगों को समझा पाओगे, गलत वीडियो देखोगे तो एक गलत चीज़ से अभी आपने देखा कि पूरा एक टीम कैसे टूट रहा था। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखिए, हमेशा सही इन्फॉर्मेशन दीजिए अपने सभी डाउनलाइन को। और दूसरा चीज़ दोस्तों, अभी जैसा कि आप देख सकते हो जो हमारा एड है वो 1.6 बिलियन एड व्यूज आ चुके हैं हमारे ईहा में। तो दोस्तों अभी ये जो 1.6 बिलियन एड व्यूज आ चुके हैं ये बहुत बड़ी बात है। क्यों बड़ी बात है? क्योंकि अभी दोस्तों जो हमारा ईहा है वो लोगों को ये चीज़ दिखा सकता है कि जो हमारा ईहा है वो अभी तक लॉन्च भी नहीं हुआ है, और बिना लॉन्च हुए यहाँ पे 1.6 बिलियन एड व्यूज़ है। तो जब हम लॉन्च होंगे और तब अगर आप जो एड दिखाना चाहते हो अगर उतना व्यूज़ आता है तो आपके कितने सामान बिक सकते हैं। तो आप समझ रहे हो, तो ये चीज़ है दोस्तों कि कंपनी ने इसीलिए ईहा में इतने दिन जो ट्रायल फेज था उसमें हमको डमी एड दिखाया, ताकि दोस्तों इस कंपनी का जो एड व्यू है वो बढ़े, और उससे दोस्तों अभी कंपनी बहुत सारे लोगों को अट्रैक्ट कर पाएगी। तो दोस्तों यही बोलूँगा कि अभी बस कुछ ही समय बाकी रह गए हैं, ठीक है, आप सभी लोग वेट करिए, जो हमारा रियल एड है वो बहुत जल्दी आने वाला है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखो ताकि आप सभी लोगों को रियल अपडेट मिल सके, ठीक है, फालतू अपडेट से दूर रहो, ठीक है, क्योंकि आप फालतू अपडेट सुनोगे अपने टीम को भी फालतू अपडेट सुनाओगे, आपके टीम ने वो सुना फालतू अपडेट, उसके दिमाग में आ गए फालतू ख्याल,
ठीक है, और जब वो फालतू ख्याल पूरे नहीं होंगे तब फिर आपको डिमोटिवेट फील होगा, आपके टीम को भी डिमोटिवेट फील होगा, और वो लोग तो फिर आपको इतना कुछ सुनाएंगे कि आप भाई बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट फील करोगे। तो आप डिमोटिवेट फील ना करो, इसीलिए आप सही चीज़ सीखो और सही चीज़ अपना डाउन में सिखाओ। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा लाइक ज़रूर करें, अगर चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर।